गाड़ियों का ठहराव नहीं है यहाँ, कोई ठहराव नहीं, यहाँ कोई नेता आता है ना, कोई विधायक आता है ना, कोई देखने के लिए आता है, यहाँ तमाम बैकवर्ड एरिया है, कोई खाली वोट के बेरा तो सब लोग आते हैं, और कोई देखने वाला नहीं आता है, कौन मरता है, कौन जीता है, कौन क्या करता है, बताइए ऐसा होता है। और यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट मिलता है कि नहीं? ना यहाँ नहीं, कोई टिकट नहीं मिलता है, जो खाली यदि मिलता है टिकट, जब रिजर्वेशन टिकट यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसको मिटा देना चाहिए रेलवे को, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं मिलता है। चलेंगे आगे भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, इंतजार रहिएगा। यहाँ के तमाम लोग सूर्यमनपुर जाते हैं, ये क्षेत्र के तमाम लोग सूर्यमनपुर जाते हैं। यहाँ पे देखिए नल का हाल, देखिए भाई क्या हो गया है, पानी भी नहीं दे रहा, देखिए कैसे पानी दे रहा है, देखिए देखिए पानी एकदम रुक रुक के दे रहा है, क्या लोग रहेंगे यहाँ पे, क्या पियेंगे बताइए, चारों का वही हाल है। देखिए जैसा कि आप देखे कि अभी हूँ मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाला, यूपी में पढ़ने वाला, ये बकुल्हा रेलवे स्टेशन में हूँ, अभी यहीं पे उपस्थित हूँ, और यहाँ पे आज चर्चा इस बात पे होगी कि इस रेलवे स्टेशन पे क्या कमी है, और लोगों से भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या कमी हो रही है, असुविधा क्या हो रही है लोगों को, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है, और ये भी पता करेंगे कि यहाँ पे आरक्षण टिकट मिलता है या नहीं, और यहाँ की समय सारणी जो ट्रेन जाती है तो इतना पता चल गया है भाई कि चार ट्रेन, ये दो सुबह में दो शाम को, चार ही ट्रेन यहाँ पे चलती है, ठीक है, तो भी आपको जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी दिखाएंगे आप कितना है, और प्लेटफार्म की संख्या बताएंगे कितना है, अभी में यहाँ पे बदलाव किया हुआ है, अभी से पीछे के रेट में क्या था, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो आप वीडियो में इंटरेस्ट जुड़ेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए अभी हम मुख्य द्वार पे हैं, थोड़ा मुख्य द्वार का सीन दिखाइए जी, मुख्य द्वार पे हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे तब जाएंगे आप रेलवे स्टेशन तक, ठीक है। इधर एक दुकान है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक पान की गुमटी है, और यहाँ पे एक मिष्ठान भंडारा है जो कि छोटा सा ही है, ठीक है, और इधर एक देख सकते हैं कि रोड वाला ट्रैक है, ठीक है, तो ये ट्रैक पता नहीं कहाँ तक जाएगा। चलिए यहाँ पे एक दो लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या इन लोगों असुविधा हो रही है, ठीक है। आइए, नमस्ते भैया, नाम क्या पड़ेगा आपका? अच्छे लाल यादव जी, अभी यहाँ पे आप मतलब का कुछ काम हम करते हैं, आप क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं, और इस पे कमाई उमाई आप लोग की होती है कुछ? कमाई कहाँ होती है कुछ, ट्रेन में कोई नहीं लगते हैं तो कमाई कहाँ से होगी, ट्रेन नहीं लगती है, कहाँ लगती है? सुबह शाम कितने ट्रेन लगती है? सुबह शाम में दो लगती है, बताइए चार ट्रेन में क्या कमाई होगा यार, कुछ देखिए यार, पहले के टाइम में क्या था कि पहले अधिक चलती होगी ट्रेन ना यहाँ पे, बहुत पहले ट्रेन चलती थी तो यहाँ पे लोगों की कमाई भी होती थी, और ये दुकानदार जो है दुकानदार की भी कमाई होती थी, ठीक है, लेकिन उससे काफी लोगों पे इफेक्ट पड़ा है, तो आप लोग अगर सर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको निगरानी में लिया जाए, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बांसडीह रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया, सूर्यमनपुर का दिखाया, वैसे ही दिखा रहा हूँ इसको, तो इसको भी आप ऊपर कार्रवाई कीजिए और कुछ काम आगे बढ़ाइए, ठीक है। और यहाँ पे अभी सुविधा क्या हो रही है रोड के बारे में? सुविधा तो बहुत है यार, यहाँ से सीमन टोला तक जाइए, रोड को देखिए दशा क्या हुआ है, सीमन टोला वाला रोड यहाँ पे, उधर भी हम चलेंगे, थोड़ा दृश्य आपको दिखाएंगे सीमन टोला वाला रोड की क्या स्थिति है अभी, ठीक है। और मतलब यही आप लोग को दिक्कत है कि मतलब अभी कमाई वमाई अभी ज्यादा नहीं चल रहा है? क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा शत्रुघ्न यादव नाम पड़ेगा। शत्रुघ्न यादव जी, तो गाड़ियों का ठहराव नहीं है? कोई ठहराव नहीं, यहाँ कोई नेता आता है ना, कोई विधायक आता है ना, कोई देखने के लिए आता है, यहाँ तमाम बैकवर्ड एरिया है, कोई खाली वोट के बेरा तो सब लोग आते हैं, और कोई देखने वाला नहीं आता है, कौन मरता है, कौन जीता है, कौन क्या करता है, बताइए ऐसा होता है। और यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट मिलता है कि नहीं? ना यहाँ नहीं, कोई टिकट नहीं मिलता है, जो खाली यदि मिलता है टिकट, जब रिजर्वेशन टिकट यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसको मिटा देना चाहिए रेलवे को, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं मिलता है। चलेंगे आगे भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, इंतजार रहिएगा। यहाँ के तमाम लोग सूर्यमनपुर जाते हैं, ये क्षेत्र के तमाम लोग सूर्यमनपुर जाते हैं, सीमन टोला, करण छपरा, चूंकि अभी 10 दिन पहले एक कार्रवाई हुआ है रेवती रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे आरक्षण टिकट अभी 4 दिन पहले अवेलेबल हो चुका है, आप लोग को भी शायद पता नहीं है तो उस पिछला वीडियो मेरा देखिए, उसमें पता होगा आपको कि रेवती रेलवे स्टेशन का विकास कितना हुआ है अभी, और सूर्यमनपुर का विकास अभी जारी है, हो रहा है, ठीक है, चूंकि इस रेलवे स्टेशन का भी विकास होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा इस साइड आइए, दिखाइए कि मेन गेट पे, और जूम हटा लीजिएगा कैमरे, ठीक है, देखिए इस पर थोड़ा रोड का भी सीन दिखा दीजिए, यही रोड के बारे में बता रहे थे भैया, सीमन टोला तक ये रोड जाएगा, इस पर भी हम आगे तक चलेंगे और दिखाएंगे आपको वो दृश्य जिसके कारण यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होती है, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट हम लेकर चलेंगे आपको उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ का दृश्य आपको देखना अति आवश्यक है, कितना प्लेटफार्म है, क्या बदलाव हुआ है, पहले के टाइम में क्या था, अब के टाइम में क्या है, सब कुछ आप वीडियो में जुड़ेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Thank you.
यह है एक नंबर रेलवे स्टेशन, देखिए एक नंबर रेलवे प्लेटफार्म। और यहाँ पे चूंकि अगर पटरियों की बात करें तो चार पटरियाँ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चार पटरियाँ, और ये एक नंबर है और वो दो नंबर है, चूंकि वहाँ पे अभी बोर्ड डाला नहीं है दो नंबर का, को लेकर के डायरेक्ट देखिए यहाँ पे बकुल्हा का ये लोगो लगा है। और यहाँ पे लाइट व्हीट की सुविधा भी अभी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मताएँ हैं, आप देख सकते हैं कि रेल जो अभी ट्रेन आने वाली है उसके लिए, ठीक है, ट्रेन आएगी उसके बाद सभी लोग चल जाएंगे, फिर ये रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो जाएगा। और देखिए ओवरब्रिज भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, ओवरब्रिज का सीन कुछ इस प्रकार से। ये नल है, नल पे देखते हैं कि पानी उन्हें दे रहा है कि नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए नल का हाल, देखिए भाई क्या हो गया है, पानी भी नहीं दे रहा, देखिए कैसे पानी दे रहा है, देखिए पानी एकदम रुक के दे रहा है। क्या लोग रहेंगे यहाँ पे, क्या पियेंगे बताइए, चारों का वही हाल है, देखिए लगातार नहीं दे रहा है, इसमें कचरा है, ठीक है। और यहाँ के साफ़ सफाई के लिए भी कोई मतलब उपाय नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं डेंजर खतरा का एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हाइड रास्ता है, ठीक है, उतरने के बाद लोग फान कूद करके चले जाते हैं, वही सब रास्ता है देख सकते हैं इस साइड से, और रेलवे ट्रैक से पार करके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से चलते हैं ओवरब्रिज को, पहले के टाइम में ये नहीं था, लेकिन अभी डेट में यहाँ पे अपडेट करके पूरा चेंज कर दिया, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में कि यहाँ से वैन भी उतर सकती है, डायरेक्ट जो ई रिक्शा बोलते हैं ना, ई रिक्शा आराम से यहाँ से निकल जाएगी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी डेट में सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ये साइड से यहाँ पर कुछ सबसे बड़ी बात है कि यार गर्मी का सीजन आ गया, पानी के लिए यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, और पानी यहाँ पे हम सुविधा आपको दिखा ही दिया है कि पानी के लिए क्या सुविधा है, बहुत लोगों को असुविधा होगी, ठीक है, इससे आप लोग बच के रहे, अदरवाइज जाते हैं तो ये काफ़ी खतराजनक चीज़ है, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक है बकुल्हा रेलवे स्टेशन का ट्रैक, आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ से हम कैमरे को जूम लेंगे और दिखाएंगे आपको, अभी कोई साइड ट्रेन आने वाली है, क्योंकि चलिए भाई ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है शायद माझीघाट का या बलिया का जो वाटर पार्क ओपनिंग डेट है वो आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, सो बाय बाय।